हम लोग बैठ गए हैं जी गाड़ी में और यहाँ से चल रहे हैं एलएपी। तो हाउस बोट के अंदर तो आ गए हैं जी और हम लोगों का स्वागत किया गया इस वेलकम ड्रिंक के द्वारा। तो भाई साहब यहाँ से हाउस बोट अब निकल रही है, ढेर सारी हाउस बोट है, सभी का एक जो है पार्किंग स्टेशन बना हुआ है। यहाँ जो हाउस बोट लिया है जी, हमने लिया है प्रीमियम एसी हाउस बोट। तो ऐसा करते हैं जी, आपको यहाँ का जो बोट हाउस टूर है वो दे देते हैं आपको। ये देखिए जी कितना प्रीमियम लग रहा है लोग। और यहाँ पर जो है हमारे लिए पाइनएप्पल काट करके रखा गया है। और जैसे ही अंदर आते हैं तो ये देखिए ये है हमारा रूम। और आप चाहते हैं बाहर का लेक का व्यू लेना, ये देखिए यहाँ पर जो भी बोलेंगे आप वो आपके डिमांड पर कुक कर दिया जाएगा। आपके लिए स्पेशल कुक रखा गया है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो केरला में आज हमारा है जी चौथा दिन और चौथे दिन जो है हम लोग जाने वाले हाउस बोट में। और यह ड्रेस देखिए जी हमने नया लिया था। जाने से पहले तो बताइएगा ये हमारा शर्ट कैसा लग रहा है। मन कर रहा था एक बार जो है प्रिंटेड शर्ट पहने, थोड़ा सा फंकी लुक हो एकदम, जा रहे थोड़ा सा बैक वाटर में तो थोड़ा सा लुक रहे। और अभी जो आवाज आया होगा आपने सुना होगा, आवाज क्या आया है वो मिल्टन को गिरा दिया है क्रियांश ने, देख रहे हैं वो, और भाग भी गया उधर। तो क्रियांश भी अपना नया कपड़ा पहन चुका है और हाथ में कटोरी लेकर के घूम रहा है क्या। तो आज हम लोग जाने वाले हैं जी हाउस बोट में। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कभी केरला जाएंगे तो उसके हाउस बोट में जो है जरूर ट्रेवल करेंगे। और साथ के क्रिएटर थे वो भी गए थे केरला, तो उन्होंने बताया था कि आप जो है वहाँ जरूर जाओ, बहुत मजा आने वाला है। और अभी मानसून का सीजन है तो डर लग रहा था कि पता नहीं क्या खुला होगा नहीं होगा ये सब चीज, लेकिन भगवान की दया से अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। जहाँ भी घूमे हैं हर जगह आराम से घूम लिए हैं, कहीं भी किसी तरह का कोई भी इशू नहीं आया है। और जिया इधर अपना रेडी हो रही है, जैसा कि हर बार होता है कि हम लोग पहले तैयार हो जाते हैं और जिया के तैयार होने का इंतजार करते हैं। हम लोग को 5 मिनट लगता है, तुमको आधा घंटा लगता है। हाँ कोई बात नहीं। तो टैक्सी वाले भाई साहब जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको कॉल आएगा और कब जाएंगे, लेकिन उनको कैसे समझाया जाए कि अभी जो है समय बहुत ज्यादा लगेगा तो कैसे उनको बुलाया जाए। तो जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ, निकलेंगे ठीक है। और क्रियांश एक बार बताओ क्या कॉम्बिनेशन है, तुम कटोरी लिया हुआ है और साथ में पेस्ट लिया हुआ है, तो पेस्ट को कटोरी में डालेगा क्या। 20 मिनट्स लेट। तो हम लोग बैठ गए हैं जी गाड़ी में और यहाँ से चल रहे हैं एलएपी। और एलएपी का यहाँ से लगभग 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे का रास्ता है जैसा कि अभी तक पता चला है। और हम लोग यहाँ से सीधा चलेंगे, बीच में कोई भी लगेगा कि अच्छा व्यू पॉइंट है तो वहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा बहुत अपना फोटो वीडियो जो सब होता है वो सब लेंगे। और फिलहाल क्रियांश का जो है पेट वेट एकदम भर दिया है, अच्छे से एकदम फिट है। और आप ऐसे बहुत लोग पूछते हैं कि क्रियांश का आप जो है कैसे केयर करते हो ट्रेवल के टाइम ये सब, तो जी मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक वीडियो ही डाल दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो ये तो आप लोग कमेंट करके बताना, कुछ लोग का तो कमेंट देखा और बाकी लोग भी चाहते हैं कि नहीं, तो आप लोग अपना कमेंट करके बताना। तो इसके ऊपर एक वीडियो जरूर डाल देंगे कि हम अपने बच्चे का ट्रेवल के टाइम कैसे केयर करते हैं। One hour later. तो हम लोग रुक गए हैं जी एक जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो यहाँ पर कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। जी अपना खा भी चुकी है और हमने मंगवाया हुआ अभी प्लेन डोसा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये पापड़ी आपको दिखेगा। तो मन था ऐसा खाने का तो खा लिया, और इसके बाद हम लोग उत्पम मंगा रहे हैं तो देखते हैं वो कैसा होता है। तो हम लोग रुक गए हैं जी एक शॉप के पास और यहाँ से हम लोग को लेना है नारियल पानी। भैया बताया कि यहाँ का नारियल पानी थोड़ा ज्यादा मीठा होता है और एकदम लोकल यहाँ का मिल जाएगा, तो पी रहे हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा सा नारियल है हम लोगों की तरफ जो है, इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन कहा कि ये साइज में छोटा रहेगा, क्वांटिटी भी कम रहेगा, लेकिन इसका जो टेस्ट रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो लेते हैं। तो हमारा नारियल पानी आ गया है जी, तो जिया यहाँ पी रही है और बहुत ही मशक्कत के साथ। क्रियांश बस उस पाइप को निकाल के फेंकना चाह रहा है बाहर। नहीं पीता है, नहीं पीने देता है। पियो तो एक स्ट्रॉ लेगा बस, हो गया खत्म बात, हो गया। देखिए हम लोग जो है कुछ ही देर में जो है बोट हाउस के पास पहुंचने वाले हैं, मुश्किल से यहां से 2 किलोमीटर के आसपास होगा। और जब चल रहे हैं जी और बीच में जो है रास्ता सब दिख रहा है, तो बहुत ही एकदम ग्रीन ग्रीन रास्ता है, एकदम हरियाली भरी हुई है, दिखाते हैं आपको। तो हम लोग पहुंच गए हैं जी बोट हाउस के पास और अभी हम लोग का जो है बोट वो अभी आया है नहीं, अभी बाकी बोट सब का देख रहा हूँ। यहाँ पर एक यहाँ पेट्रोल पंप है तो यहीं पर जो है सभी लोग अपना फ्यूल ले रहे हैं। तो हम जा रहे हैं जी अपने बोट हाउस के पास, सारा सामान सब जो है लेकर के चल रहे हैं भैया, और हाथ में हमारी कुछ सामान है। तो ये रहा जी हमारा बोट और जी यहाँ सब आ रही है, चलो चलो। तो ये रहा जी हमारा हाउस बोट। ये रहा जी अपना हाउस बोट, ओके आराम से आराम से। और यहाँ पर जो है ये रहा आगे का फ्रंट का एरिया,
उससे पहले सारा सामान सब अंदर रखते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो हाउस बोट के अंदर तो आगे हैं जी, और हम लोगों का स्वागत किया गया इस वेलकम ड्रिंक के द्वारा। तो तीन लोगों के लिए है, एक रियाज के लिए भी दिया। आ जा ड्रिंक ले लो, क्या दिक्कत है, लेते माजा है ये शायद। तो वेलकम ड्रिंक में हम लोगों को मिला है जी माजा का, या माजा नहीं ये मैंगो का ही कुछ है, लेकिन माजा कंपनी का ने लोकल बनाया हुआ है। मजा आ रहा है क्रियांस? ओए होए होए ना, पीने दो पीने दो अच्छे से। एक और है मम्मा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पीने दो जितना पीना है ठीक है। और यहाँ पर जो है हाउस बोट स्टार्ट भी हो चुका है, तो भैया जो है लेके जा रहे हैं। और देखिए कुछ इस तरह का पार्किंग रहता है इधर। उस छोर पर रस्सी से बंधा हुआ है, और ये इधर है, और देखिए इसको किस तरह से किया जा रहा है। ये हाउस बोट को जो है उस साइड घुमाया जा रहा है ताकि उस साइड हो जाए और ये स्ट्रेट हो जाए, फिर उसके बाद यह जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारे हाउस बोट हैं, सभी लोग इधर से पास कर रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ से हाउस बोट अब निकल रही है, और अब जो है यहाँ से बोट राइड की होती है शुरुआत। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और लगभग 2 बजे के करीब जो है हम लोग अपना लंच करेंगे, और फिर उसके बाद जो है कहीं निकलेंगे। तो इसका गियर कैसा है? 1-2 और ये 1-2 फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स, ओके ओके, सो इट्स जस्ट लाइक ऑटोमेटिक व्हीकल। तो क्रियांश यहाँ पर खा रहा है केला, केला डिंग 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 डिंग, बड़ा तेज है इसका। केला देखते ही क्रियांश जो है हां हां, कोई बात नहीं। और ड्रिंक जो है मेरा अभी तक रखा ही हुआ है, हम पिए नहीं है, ना ही तुम पिए, हम भी पी लेते हैं अपना। नहीं नहीं देता, नहीं कुछ खा नहीं देता। कोई बात नहीं, हम लोग पकड़ लेंगे इसको बाद में, पी लेना। तो आप पी लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं जी ढेर सारी हाउस बोट है, सभी का एक जो है पार्किंग स्टेशन बना हुआ है, जैसे बस स्टैंड होता है ना वैसे यहाँ पर दिख रहा है, बोट का पूरा स्टैंड है यहाँ पर। ओ भाई साहब ये देखिए मजा आ रहा है भाई साहब। तो हाउस बोट के चले हुए जी लगभग हो चुका है आधा घंटा से ऊपर, और क्रियांश जो है अपना कपड़ा वपड़ा सब खुलवा चुका है, क्योंकि इसको जो है इचिंग लग रहा था। और जैसे ही यहाँ आया लाइट क्लोथ्स में, तभी एकदम मस्त है, एकदम मजे में घूम रहा है, दिया पकड़ के रखना गिरे नहीं। वो जो हाउस बोट लिया है जी, हमने लिया है प्रीमियम एसी हाउस बोट। इसमें क्या है कि आपको एसी जो है फुल टाइम चलेगा, जब आप कहोगे तब चलेगा एसी यहाँ पर, तो ये एक अच्छी बात है। मैं चाहूँ तो इस गेट को अभी भी बंद करवा सकता हूँ। और यह जो इलाका है, या जो क्या कह सकते हैं डाइनिंग एरिया जो है, तो इसमें भी एसी कंटिन्यूस चलवा सकते हैं, जो कि बाकी हाउस बोट में आपको नहीं मिलता है ये। लेकिन हमने नहीं बंद करवाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ का जो नेचुरल हवा है कुछ देर वो ले। और हमारे रूम में एसी जो है वो भी अभी चालू नहीं करवाया है, क्योंकि ऐसा ही हवा में अभी है, अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही थोड़ा गर्मी बढ़ेगा तो उसके बाद जो है हम लोग एसी को चालू करवाएंगे। तो ऐसा करते हैं जी, आपको यहाँ का जो बोट हाउस टूर है वो दे देते हैं आपको। जी हाँ, बोट हाउस टूर ही कहेंगे, हाउस टूर भी कह सकते हैं, बोट भी कह सकते हैं, तो हाउस बोट टूर ही सही रहेगा। तो यहाँ से चलते हैं और आपको और टूर देते देते जो है बाकी जो इसका कॉस्ट होगा, जो बुकिंग का प्रोसेस होगा, ये सब होगा, सब कुछ आपसे शेयर करेंगे, जिससे कि आपको भी बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर बुकिंग जो होती है किसी न किसी एजेंट के जरिए होता है, थर्ड पार्टी के जरिए होता है, चाहे थर्ड पार्टी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो उसमें आपको जो अच्छा खासा कॉस्ट पड़ जाता है। और मैं आपको डायरेक्ट यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, जिससे बीच का जो मिडिल मैन है वो खत्म हो जाएगा और आपको बहुत सस्ते में पड़ जाएगा। इतना कॉस्ट हमने लिया है ना, इतने कॉस्ट में शेयरिंग हाउस बोट मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है पूरा एकदम प्रीमियम एसी हाउस बोट मिल गया है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन अच्छे से गैदर कर लिया हमने। तो शुरुआत करते हैं जी यहाँ से, यह है जी मेन एरिया, और यहाँ से जो है भाई साहब ड्राइव कर रहे हैं, और क्रियांश भी चला गया है पीछे ड्राइव करने के लिए, यहाँ से ऊपर चढ़ गया। कोई बात नहीं, सीढ़ी देखता है वैसे ही चढ़ जाता है, घर से ही आदत है इसको। जी हाँ, संभाल के रखना, हमको बार बार डर लग रहा है। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो ये है जी ड्राइविंग का इलाका,
और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं पूरा व्यू ले सकते हैं। व्यू तो आप हाउस बोट का जो रूम है वहाँ से भी ले सकते हैं, विंडो दिया हुआ है तो। और ये है जी डाइनिंग इलाका, देख रहे हैं डाइनिंग, यहाँ पर आपका क्या कहते हैं टीवी सब भी लगा हुआ है, एसी देख सकते हैं, एक एसी इधर है एक एसी इधर है, तो कुछ इस तरह का हुआ। और फैन तो चल ही रहा है और बाकी ये लाइट सब लगा हुआ है। और ये देखिए कितना प्रीमियम लग रहा है लोग। और यहाँ पर जो है हमारे लिए पाइनएप्पल काट करके रखा गया है और साथ में फ्रूट्स भी है उधर, वेलकम ड्रिंक तो आपको दिखाया ही। इधर चलते हैं अंदर। ये आपको लग रहा होगा कि एक जो ट्रेन होता है, ट्रेन का जो एसी कंपार्टमेंट होता है उसका जो कॉरिडोर होता है, या वही आपको लग रहा होगा। यहाँ पर जो है दो रूम है, हमने यहाँ हाउस बोट पूरा बुक कर लिया है, अगर दो कपल रहते तो और भी कॉस्ट आपका बच सकता है, तो दो रूम हमारा ही है, 2 BHK हो गया यहाँ, 2 बेडरूम हॉल। तो चल रहे हैं अंदर, और जैसे ही अंदर आते हैं तो ये देखिए ये है हमारा रूम कुछ इस तरह का, देख सकते हैं जी बिल्कुल एक प्रीमियम सा लुक है, एक होटल जैसा लुक है। एक्स्ट्रा यहाँ पर गद्दा भी दिया गया है, अगर आप चाहे तो मंगवा सकते हैं अपना सोने के लिए, अगर ज़्यादा लोग सब हो यहाँ पर तो। पूरी फैमिली मिल करके यहाँ पर आएगी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। और यहाँ भी AC लगा हुआ है। अच्छा हाँ, और आप चाहते हैं बाहर का लेक का व्यू लेना, ये देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा लेक का व्यू, देख सकते हैं। आराम से यहाँ पर लेटिए और बाहर का व्यू लीजिए, साथ में कुछ खाने पीने का भी रख लेंगे, खाते पीते रहिए, बाहर का आनंद लेते रहिए, मजे करते रहिए। तो देख सकते हैं जी, देख लिया यहाँ से, तो यहाँ का तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ वाशरूम, जो कि मुझे बहुत इशू लग रहा था शेयरिंग हाउस बोट में। यहाँ का वाशरूम मुझे शेयरिंग हाउस बोट का तो मैंने फोटो देखा था उसके मुकाबले यहाँ का जो मुझको वाशरूम है क्लीन दिखा मुझको। इसको खोलते हैं एकदम जैसे पुराना जमाना का गेट होता था, कुंडी वाला वही है यह। और ये देख सकते हैं जी साफ सफाई है, बिल्कुल पूरा साफ सफाई है एकदम, बहुत ही अच्छे से फिनिश किया गया है। डस्टबिन सब भी दिया हुआ है, हर जगह आपको डस्टबिन एक मिलेगा, जो कि अच्छा लगा मुझे। अच्छा अब क्रियांश उसके ऊपर करेगा देख जो लिया जी, इसको बंद कर दो ना क्रियांश इसके अंदर चला जाएगा। चलो चलो गोदी में ले लो, दूसरा रूम दिखाते हैं बाकी, और जो बाकी इलाका है यहाँ के बोट का, ठीक है। चलो क्रियांश रूम टूर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हाउस बोट टूर को। ओके तो यहाँ से हम लोग आ गए जी बाहर, और यहाँ पर भी एक बेसिन लगा हुआ है अपना हाथों सब धोने के लिए, और यह सब दिया हुआ है, और ये लगता है फ्यूल के लिए सब कुछ। और हम लोग आ रहे हैं दूसरे रूम में, तो दूसरे रूम को जो है अभी हमने पूरा नहीं करवाया है अच्छे से तैयार, क्योंकि इसमें रहना ही नहीं है हमें, लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं हमने तैयार नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी देखिए जो कितना अच्छा है। बस एक ये ब्लैंकेट ऊपर रखा हुआ है, इसको हटा देंगे ये लोग, और अच्छा सा बेडशीट को लगा देंगे। यहाँ भी AC दिया हुआ है देख सकते हैं, और रूम बिल्कुल वैसा ही है, ठीक वैसा ही। हाँ इसका बाथरूम उसके मुकाबले थोड़ा छोटा मिलेगा आपको। अब चलते हैं जी यहाँ से बाहर, और आपको दिखाते हैं इस हाउस बोट का अंतिम छोर, और अंतिम छोर जो है वह जी है किचन है। चलो भैया किचन, तो हम लोग आ गए हैं किचन में, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो भी बोलेंगे आप वो आपके डिमांड पर कुक कर दिया जाएगा, आपके लिए स्पेशल कुक रखा गया है। आप बाहर से कुछ ला सकते हैं, हाँ बाहर से कुछ ला सकते हैं और इनको दे सकते हैं।